हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आलिया व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को आज मैं बता रही हूँ कि मौसम के उत्तापित मैंने आज बना के खाने वाली हूँ आटे का हलवा। मेरा तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। और आज आप देखिए, मैं किचन में काम करने के लिए मैंने हलवा बनाने जा रही हूँ। यहाँ पे आटे का हलवा सेक रही हूँ। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और मुझे कुछ मीठा खाने का मन था, तो मैंने सोचा क्यों ना आटे का हलवा बना लेती हूँ। फटाफट बन भी जाएगा और मैं खा भी लूँगी। तो यहाँ आटे का हलवा थोड़ा सीख रहा है और इससे आटे के हलवे को भी शाम की चाय के साथ खाऊंगी। आटे का हलवा खाने में बहुत ही ज्यादा सूजी से भी ज्यादा टेस्टी लगता है, तो आप भी जरूर ट्राई करें। तो यहाँ देखिए सीख चुका है आटे का हलवा। और इसी के साथ मैंने आटे का हलवा बनाने के लिए मैंने गुनगुना पानी करा है 1.5 गिलास। और जब भी आप आटे का हलवा बनाते हैं तो एक इसका सीक्रेट है, आटे के हलवे को सेकने से पहले आप इसके गर्म पानी गुनगुना करने के लिए चढ़ा दें साइड में। गुनगुना पानी आटे के हलवे में डालेंगे तो इसमें आटे के हलवे में लम्स नहीं पड़ेंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद आएगा। और आटे का हलवा तो वैसे भी खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप देखिए बादल कैसे गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, और इस बारिश के मौसम में आप भी मेरी तरह कुछ बना के खाएं, मीठा या तीखा या चटपटा। तो आप जरूर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना। तो यहाँ मैं देखिए इसमें चीनी डाल रही हूँ आटे के हलवे में। मैं भी खाऊंगी और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खिलाऊंगी, इसलिए मैंने आटे का हलवा बनाया है। शाम की चाय के साथ इसे खत्म करेंगी खा के। और ये बनके एकदम तैयार है और मैं इसे कर दूंगी एक प्लेट के अंदर। तो यहाँ मैंने ये प्लेट ली है और इसमें देखिए मैं डाल के दिखाती हूँ कितना सुंदर और कितना खाने में स्वादिष्ट लगने वाला है। ये बच्चों को और हमें, बड़ों को, सबको अच्छा लगेगा। आटे का हलवा तो सबका फेवरेट होता है, मेरा तो कुछ ज्यादा ही है, इसलिए मैंने इस बारिश के मौसम में बना के खा रही हूँ आटे का हलवा। ये बनके एकदम तैयार है, तो इसे खाके करते हैं हम खत्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये आपको आटे का हलवा दिखने में और बना के खाने में कितना मजा आया है। वैसे तो गर्मा गर्म अगर कोई बना के खिलाता है तो और भी ज्यादा मजा आता है खाने में। तो यहाँ मैंने इसको बना लिया है और मैं इसे अब डेकोरेशन करने के लिए इसमें कुछ काजू बादाम, और मैं अब इसे बना के एकदम रेडी कर लिया है, इसमें काजू बादाम डाल के डेकोरेट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ही मेरा आटे का हलवा कैसा लगा और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं इसे। और वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन दबा देना।